जय हिंद प्यारे बच्चों। चलिए, कैसे हैं आप सभी लोग प्यारे बच्चों? जैसे कि आप लोगों ने थंबनेल पे देखा है, बहुत सारे स्टूडेंट्स जिनका रिजल्ट आया अभी इस समय अपने फेज टू की तैयारी में लग चुके हैं। फेज टू के ऑफलाइन बैचेस, ऑनलाइन बैचेस स्टार्ट हो चुके हैं आज से, ठीक है। दूसरी चीज, अब जो जिनका सिलेक्शन हो गया है उनके लिए तो फेज टू का ऑनलाइन भी तैयार हो गया, ऑफलाइन बैच भी, यानी कि सारे बच्चे अपने अपने काम पे लग चुके हैं। लेकिन अब आता है एक दूसरी कैटेगरी, जिन बच्चों का फेज वन में नहीं हुआ या पीएसएल में वो फाइनल किसी ना किसी वजह से आउट हो गए। तो ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स थे जो बार बार मुझे व्हाट्सएप पे या मैसेज करके इंस्टाग्राम पे बार बार पूछते थे कि सर हम अभी क्या करें, क्योंकि सिलेबस तो हमने पढ़ा हुआ है और अभी हमारे पास 2 से 3 महीने बचे हुए हैं और अगला इनटेक अभी हमारे पास है। देखिए, जिनके पास इनटेक नहीं है, जिनके पास अभी ऑप्शन नहीं है, या वो एसएससी की तैयारी करने लग गए हैं, या वो सीडीएस की तैयारी करने लग गए हैं, या वो अदर किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो वो बच्चे तो जनरली ज़्यादातर सभी बच्चों ने संकल बैच ज्वाइन कर ही लिया है और वो संकल बैच में फुल फ्लो में उनकी क्लासेस चल रही है, क्योंकि बैठ के कोई फ़ायदा नहीं है और बैठने से कुछ होता भी नहीं है, करनी तो हमने मेहनत ही पड़ेगी, ठीक है। तो जिन बच्चों के पास अभी एक इनटेक या दो इनटेक बचे हुए हैं, तो उनके लिए हमने एक प्लानिंग की है। और प्लानिंग क्या है मैं आपको बताऊं, वो कि अगर सपोज करिए आपने सिलेबस बहुत अच्छे से पहले पढ़ा हुआ है, या आप किसी प्रॉब्लम की वजह से आप 1 नंबर से 2 नंबर से या किसी भी वजह से आप बाहर हो गए हैं, तो हमने प्लान ये किया है कि ऐसे स्टूडेंट्स के लिए एक ऐसा स्पेशल बैच लाया जाए जिसमें हम सिर्फ उनको मॉक टेस्ट कराएं। जैसा कि आप मेरे पीछे देख रहे होंगे, ये मॉक टेस्ट स्पेशल बैच होने वाला है इनटेक 2 2024 के लिए, एयरफोर्स के लिए स्पेशली, ठीक है। इसमें क्या क्या होगा वो मैं आपको बताऊंगा, किस किस तरीके से हम लोग इसको स्टार्ट करेंगे और कब से ये बैच स्टार्ट होगा, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए, ये जो बैच है इसका नाम है रिविजन बैच। अब ये रिविजन बैच नाम क्यों रखा गया है, क्योंकि इसमें कंप्लीटली मॉक टेस्ट ही होंगे और कुछ नहीं होगा, सिर्फ मॉक टेस्ट होंगे। यानी कि आपको एक दिन मॉक टेस्ट दिया जाएगा, अल्टरनेट डे पे होगा, जैसे मंडे को इसमें आपको मॉक टेस्ट दिया जाएगा, फिर उसके बाद वेडनेसडे को मॉक टेस्ट दिया जाएगा और फ्राइडे को मॉक टेस्ट दिया जाएगा। और ये सिर्फ इंग्लिश का नहीं होगा, या सिर्फ मैथ्स का नहीं होगा, सिर्फ फिजिक्स का नहीं होगा, सिर्फ रागा का नहीं होगा, ये जो बैच है ये कंप्लीट बैच होने वाला है। मतलब कंप्लीट मॉक टेस्ट, मंडे को कंप्लीट मॉक टेस्ट होगा, एक्स का भी वाई का भी, ठीक है, ये भी, फिर आपका होगा ये वेडनेसडे को, फिर फ्राइडे को। लेकिन जब मंडे को मॉक टेस्ट होगा तो ट्यूसडे में आपका आपको इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा, आंसर की तो चेक तो तभी हो जाएगा क्योंकि आप उस पर करेंगे एप्लीकेशन पे, तो वहीं पर चेक हो जाएगा। लेकिन सॉल्यूशन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि मॉक टेस्ट का सॉल्यूशन अगर ना हो तो कोई बेनिफिट नहीं है। तो आपको अगले दिन जो है वो सॉल्यूशन दिया जाएगा इसका, ताकि आप अपनी गलतियां चेक करते रहें, ठीक है। अच्छा, मॉक टेस्ट का लेवल वही रहेगा जैसे मेरे इंग्लिश का लेवल रहता है प्रॉपर, क्योंकि इसमें लगभग 5 से 6 बच्चों से मैंने ऐसे बच्चों से कांटेक्ट किया है जिन्होंने 70 में से 58, 70 में से 60, 65 या 50 में से 48, 49, ऐसे बच्चों से जिनको अभी रिसेंट पेपर ये दे के आए हैं और उनके बहुत अच्छा स्कोर रहा है, यानी कि टॉपर्स की कैटेगरी में रहे, तो उनको कहीं ना कहीं कंटेंट के लिए इसमें साथ रखा जाएगा, ताकि बच्चा कहीं ना कहीं वो जानता है कि वहां जब वो प्रेशर करता हैंडल करता है तो किस तरीके क्वेश्चंस वहां पर रहते हैं। क्योंकि ये जो बार बार समस्या आ रही है ना कि मैं फिजिक्स में इतने में फेल हो गया, ठीक है, इतनी पढ़ लिया फिर भी नहीं होता है, तो इसका सबसे बड़ा उपाय यही है कि हम स्टार्टिंग से ही बच्चे का ये चेक करते हुए चले कि वो कमी कहाँ कर रहा है, उसको पता चले और वही लेवल रखा जाए, ताकि आसान लेवल ना हो। ये आसान आसान के चक्कर में बड़ा सरदर्द होता है बच्चों को, और एक एक नंबर से इंग्लिश में इतना ले आएगा, उसमें इतना ले आएगा, ठीक है, कुछ इंग्लिश में ही फेल हो रहे हैं, तो पता हमें नहीं चलता है। तो ये पूरी टीम बनाई है जो मॉक टेस्ट आपके लिए तैयार करेगी, और सॉल्यूशंस तो ऑब्वियस सी बात है मैं ही करूंगा, यानी कि टीचर्स ही उसको सॉल्व करेंगे प्रॉपर, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, इसमें आपको मिलेगा क्या, पहले तो बता दूं, नंबर ऑफ मॉक टेस्ट यानी कि 50 कंप्लीट मॉक टेस्ट होंगे। फिर मैं कह रहा हूं कंप्लीट, सिर्फ अकेला इंग्लिश उसका नहीं होगा, कंप्लीट पूरा एक पैटर्न होगा जिसमें आप, क्योंकि हमें ना हैबिट नहीं है, हम लास्ट टाइम पे 2 4 5 मॉक टेस्ट कर लेते हैं, लेकिन अगर स्टार्टिंग से ही हमें हैबिट पड़ जाए तो बहुत हेल्प मिलने वाली है, मैं गारंटी से लिख के दे रहा हूं, ये बैच सबसे ज्यादा सिलेक्शन देगा, क्योंकि ये मॉक टेस्ट हम नहीं लगाते हैं, और लगाते हैं तो सॉल्यूशन नहीं कर पाते और वो लेवल नहीं हो पाता है, ठीक है। तो इस बार हम उन्हीं बच्चों से जो सिलेक्शन में रैंकर्स आए हैं उनकी हेल्प से ही वही लेवल रखने वाले हैं, ठीक है, क्योंकि बच्चा जाता है वहां पर, वो देता है एग्जाम, उसको प्रेशर पता है कैसा क्वेश्चन आता है, यहां तो सबको आसान लगता है लेकिन वहां जो एक्चुअल क्वेश्चन आता है वो एक स्टूडेंट को पता होता है, पेपर तो बाहर आता नहीं है, ठीक है। तो 50 मॉक टेस्ट आपको इसमें मिलेंगे, एक्स वाई मतलब कंप्लीट एक्स वाई, इंग्लिश दोनों में कॉमन रहेगी, बाकी 50 मॉक टेस्ट एक्स का 50 वाई का रहेगा, ठीक है।
डेट कब से स्टार्ट हो रहा है? 1 दिसंबर से ही आपका बैच स्टार्ट हो जाएगा। 1 दिसंबर को पहला मॉक टेस्ट मिल जाएगा आप लोगों को, ठीक। दूसरी बात, कंप्लीट सॉल्यूशन रहेगा, पीडीएफ आपको इसकी मिलेगी, ठीक है। पूरे मॉक टेस्ट की आप पीडीएफ निकाल सकते हैं, बाद में पीडीएफ आपको इसकी मिलेगी, ठीक है भाई। और इंटेक 2 के लिए है, जो अभी आने वाला है 2 से 3 महीने उसके लिए है, बहुत समय हमारे पास है, 50 मॉक टेस्ट हम आराम से कवर कर लेंगे तब तक, ठीक है। अब आती है दूसरा सवाल कि सर इसकी फी क्या रखी गई है? देखिए बहुत नॉमिनल सी फी रखी गई है, ताकि अब कोई बच्चा ऐसा ना हो कि जो बच्चे को जुड़ने में कोई प्रॉब्लम आए। सबसे पहले तो जिन बच्चों ने अग्नि बैच को परचेज किया है, या अगर आप अग्नि बैच परचेज करना चाहते हैं, तो अग्नि बैच के साथ आपको मेरे बच्चों ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। एक बार फिर सुन लीजिए, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, आपको एक सिंगल पैनी भी नहीं देना है। बस आपने अग्नि बैच को परचेज किया और उसके साथ साथ आपको ये बैच भी मिल जाएगा। क्लियर होगी बात। लेकिन जो बच्चे अग्नि बैच ज्वाइन नहीं करना चाहते हैं, या उन्होंने नहीं ज्वाइन किया है और वो सिर्फ मॉक टेस्ट स्पेशल बैच ज्वाइन करना चाहते हैं इस बैच को, तो उनको सिर्फ 499 जो है वो आपको पे करना पड़ेगा, और उसके बाद आपका ये 3 महीने तक लगातार मॉक टेस्ट आप लोग देंगे जब तक आपका एग्जाम होगा, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो हमसे नहीं जुड़ पाते हैं और वो जुड़ना चाहते हैं, ठीक है। ये भी इसलिए क्योंकि एक बहुत लगभग 8 से 10 लड़कों की टीम है, तो उनको भी कुछ ना कुछ अमाउंट देना ही पड़ेगा, क्योंकि बच्चे मेहनत करते हैं उसके साथ, ठीक। और बाकी तो आपका, क्योंकि जब किसी भी एप्लीकेशन पे चलता है तो वहां पर टैक्स एंड ऑल नॉमिनल चार्जेस तो आ ही जाते हैं, ठीक। तो इसीलिए हमने, बाकी हमें पता था क्योंकि हमारे बच्चे जो है अग्नि बैच में पे कर चुके हैं, तो हम नहीं चाहते उन पे एक्स्ट्रा बर्डन डालना, तो हमने उनके लिए प्रॉपर फ्री कर दिया है उस बच्चों के लिए। तो जितने भी अग्नि बैच के बच्चे हैं, हर बच्चा इस वीडियो को देखने के बाद एक कमेंट और एक दिल जरूर लिख जाएगा, ठीक है। एक दिल फेंक के मारेगा और एक कमेंट जो है वो स्पेशल रखेगा इस बैच को और मेरी सोच को लेकर कि ये आपको कितना फायदेमंद, कितना फायदा होने वाला है, ठीक है। क्योंकि सिलेक्शन वाले बच्चे समझ चुके होंगे इसकी वैल्यू क्या होने वाली है और प्लानिंग क्या चल रही है इस बैच के पीछे। इस बार हमें वही बैरियर तोड़ना है जो बच्चों को बार बार परेशान कर रहा है, ठीक है। और बाकी जो बच्चे हैं उनका मैंने आपको फी बता दिया, ये 499 में आप इसको, अच्छा अब ये स्टार्ट कब से होगा? 1 दिसंबर से, ये मैंने आपको बता दिया। परचेज कब से हम इसको कर सकते हैं? तो आप इसको यानी कि 21 नवंबर से लेकर 1 दिसंबर के बीच में आप इसको परचेज कर सकते हैं। फिर से सुन लीजिए, 21 नवंबर से लेकर 1 दिसंबर के बीच में आप इसमें एनरोल कर सकते हैं, ठीक है जी। 10 से 11 दिन आपके पास रहेंगे और इस बीच में आप एनरोल कर लीजिए। 1 तारीख से बिना सोचे समझे धड़ 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 मॉक टेस्ट फेल दिए जाएंगे इसमें, ठीक है मेरे भाई। और इस बार सिलेक्शन हम दिखाएंगे कैसे नहीं होते हैं। स्टार्टिंग में ही बता देंगे कि भाई तेरे अंदर ये कमी है, जो लास्ट में तेरे को जाके पता चलता है ना बेटे कि यहां कमी है वहां का, या एग्जाम में पता चलता है, वो हम स्टार्टिंग में ही बता देंगे 4 मॉक टेस्ट के अंदर अंदर, बेटे ये कमी है और ये तो आप इसमें जब कोई प्रॉब्लम आएगी टीचर से भी बात कर सकते हैं, जहां जहां आपको सब्जेक्ट्स में दिक्कत आएगी कि यहां पर आ रही है, वो तो आपको खुद भी पता चल जाएगा। लेवल 1% नहीं घटाएंगे, जैसा लेवल आता है मैंने बच्चों से कहा है कि भाई वही लेवल आपको बनाना है इस मॉक टेस्ट का, ठीक है। चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे वो आपका मैथ्स हो, चाहे वो रागा हो, और चाहे वो आपका इंग्लिश हो, वो तो मैं वैसे भी आपको बताइए, ठीक है। लेवल से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा मेरे भाई, ठीक। तो इसीलिए ये बैच आप लोगों का स्टार्ट हो रहा है। अब इसके अलावा एक चीज और, आपकी बड़ी बार बार मैसेज आ रहे हैं संकल्प बैच को लेकर कि सर संकल्प बैच जो है उसको हमने ज्वाइन करना है, कैसे करें? तो उसके कॉन्टेक्ट नंबर आपको दिए हुए हैं, वो वीडियो जाकर आप चैनल पे देख लेना, इंग्लिश बाय संजय ठाकुर, वहां पर मैंने सारा बताया हुआ है, ठीक है। तो वही है, उसमें डायरेक्ट आप एप्लीकेशन में जाएंगे। ये वो उन बच्चों के लिए है जो आप एयरफोर्स की ना करके या बाकी अदर एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। बाकी अग्नि बैच वालों के लिए बता ही दिया है, ये आपको एक बोनस मिलने जा रहा है, ठीक है मेरे भाई। तो जहां तक भी जो भी कुछ होगा, अच्छा दूसरी बात बता दूं, बहुत सारे बच्चे वेट कर रहे थे कि फेज 2 का ऑनलाइन बैच कब से स्टार्ट होगा, तो ऑनलाइन बैच आज से स्टार्ट हो चुका है। पहली क्लास मैंने ले ली है, सिर्फ बताया कि कैसे कैसे क्या क्या होता है, एक टॉपिक भी समझाया है वहां पर, ठीक है। तो जो बच्चे फेज 2 क्वालिफाई कर गए हैं, वो ऑफलाइन नहीं करना चाह रहे हैं या नहीं किसी कारण से आ पा रहे हैं, तो वो आप उसमें दिया हुआ है एप्लीकेशन में है, वहां पर जाकर उसको फेज 2 ऑनलाइन बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। कैसे ज्वाइन करना है, नंबर इस वीडियो के नीचे दिए होंगे आपको, तो उससे आपको पता चल जाएगा, कॉल करके व्हाट्सएप मैसेज छोड़ देना, ठीक। ऑफलाइन वालों के बैच स्टार्ट हो चुके हैं,
प्रॉपर बैच स्टार्ट हो चुका है, आज मैंने वो भी क्लास स्टार्ट कर दिया। ऑफलाइन में बच्चे जो है पूरी फ्लो में स्टार्ट लग चुके हैं ऑफलाइन क्लासेस के लिए, फेज टू वाला बैच। ठीक है, बाकी कोई भी क्वेरी हो कमेंट बॉक्स में नीचे डाल देना, ये जो दिए हुए नंबर्स हैं इन पे आप लोग कॉल कर देना। एक नंबर मैं आपको बता देता हूँ, इस नंबर पर अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम आती है तो मैसेज छोड़ा करो, मैसेज के बाद आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। नंबर है 9997034744, 9997034744, ये नंबर है, आप इस पर कॉन्टैक्ट कर लेना। ठीक है, बाकी दिए हुए नंबर हैं, इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में भी नंबर दिए हुए हैं, आप उन पर कॉन्टैक्ट करके मैसेज कर देना, आपको रिप्लाई मिल जाएगा। कई बार रिप्लाई लेट मिलता है बट मिल जाएगा, क्योंकि कई सारे बच्चे जो है काफ़ी सारे बच्चे मैसेज कर रहे होते हैं। ठीक है, तो चलिए, बाकी कोई भी आपको सजेशन अगर लगता है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे, आप बताएंगे, और फिर उसके बाद हम लोग आगे और ऐसी चीज़ करेंगे जिससे आपको बेहतर से बेहतर चीज़ें मिलें। ठीक है मेरे भाई, तो बस पढ़ते रहो आप लोग, मेहनत करते रहो, और इस बार सलेक्शन हर कीमत पर लेना है। ठीक है, हर वो चीज़ करेंगे जो हमें सलेक्शन तक पहुँचाएगी। ठीक, तो चलिए मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मेरे बच्चों जय हिंद।